भाई साहब, ये जो न्यूज चैनल वाले हैं ना भाई साहब, इन लोगों ने जो बाबा बागेश्वर धाम वाले जो बाबा है ना, इनको लेके भाई साहब चरस बो रखी है। मतलब ये बाबा, ये बाबा, ये बाबा, बाबा बागेश्वर और ये सनातन धर्म का, और ये लोग विरोध कर रहे हैं और ऐसा है, और बाबा बागेश्वर मतलब देख रहे हैं, दे बाबा ले बाबा, ये है सुबह शाम भाई साहब बाबा में लगे हुए। हर चैनल शाम को चार चिंटू पिंटू टिंकू बबलू बैठाल करके ये बताइए कि ये जो बाबा का, जो सनातन धर्म का, ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, है ना? ये बताइए सनातन से इनको इतनी नफरत क्यों है? भाई साहब, किसको इस देश में सनातन से नफरत है, है? आप बताओ, चार नाम बताओ। अरे यार, ये सब बाबा कथा बांचने आया है और बाबा कथा बांच करके चला जाएगा। तुम लोग अगर ये ना दिखाओ ना, तो किसी को पता भी ना चले कहां क्या हो रहा है। बाबा अलग कथा बांच रहा है और ये न्यूज चैनल वाले अलग कथा बांच रहे हैं अपनी, ये सनातन धर्म का, और ये देखिए किस किस तरीके से घोर अपमान, और ये सनातन विरोधी लोग, और इस तरीके से क्या इस देश में मतलब कुछ भी चल रहा है। सनातन धर्म को किसी से खतरा नहीं है, सिर्फ ये जो न्यूज चैनल है ना, सुबह शाम पता नहीं कहां कहां से ला के चार टिंकू पिंटू उस पर डिबेट करवा रहे हैं। मतलब देश का सबसे बड़ा मुद्दा ये बाबा जी का ये प्रवचन और कथा हो गई। बाबा है, अपना कथा कर रहे हैं चुपचाप, आज यहां कथा कर रहे हैं, कल बुरिया बिस्तर बांधे के जाके दूसरी जगह कथा करेंगे। तुम क्यों उनके पीछे 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 कि बाबा के पीछे, आज यहां कथा ये हुआ, यहां पे ये हुआ, पोस्टर लगाया, और ये देखे ये कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया, कल दूसरी जगह गए, वहां पर भी पहुंच गए। मतलब देश में और कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं। उधर मणिपुर क्या क्या जलता रहा, बवाल होता रहा, कोई मतलब नहीं। ये बाबा बागेश्वर में और सनातन धर्म देख रहे हैं। वहां अमित शाह की अभी बंबई में कुछ समय पहले रैली हुई थी, धूप में कितने लोग गिर पड़े, कितने लोग क्या हो गए, क्या हो गए, कोई खबर नहीं। उधर जंतर मंतर पे लड़कियां बैठी हूं भाई साहब, कोई खबर नहीं, कहां कहां क्या क्या चल रहा है। उधर कर्नाटक में इलेक्शन हार गए, तो पहले तो बड़ा जो है ये देखिए सनातन का विरोध और बजरंग बली का विरोध कर रहा हूँ, ये बजरंग दल का, और ये देखिए मोदी जी और बजरंग बली अब हार गए, गायब। अब आकर के बोलो कि इन्होंने बजरंग बली और ये सब सनातन धर्म का ये किया था, इस वजह से ये लोग हार गए, इसके ऊपर प्रोग्राम बनाओ, डिबेट कराओ, चिंटू पिंटू टिंकू बबलू गुड्डू बुलाओ, बैठा लो। मतलब देश के जितने मुद्दे हैं, कितने जरूरी जरूरी मुद्दे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं भाई साहब। ये दे पापा ले बाबा, ये बागेश्वर बाबा, ये सनातन दे सनातन ले सनातन, ये बाबा वो भाई साहब, बस बाबा 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 है? और कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं। और फिर भाई साहब कोई अगर ये बात कह दे तो उल्टा उठ करके चार लोग, ये देखो आया सनातन विरोधी, सनातन मतलब किसी को भी अगर कोई जरा सा मुंह खोले बात, तो उसको सनातन विरोधी बता दो। यार इस देश में तमाम लोग कितनी, ये खाली यही बाबा की कथा थोड़ी चल रही है, हजारों बाबा पंडित पुरोधा शास्त्री कहाँ कहाँ लोग कथा चीजें कर रहे हैं, लोग आराम से शांति से सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये बाबा, तो इसका मतलब ये होता है ये बाबा गुरु किसी का बनाया हुआ बाबा है, या ये बाबा से माल चैनल में पहुंचता है कि बार बार हमको दिखाओ, हमको दिखाओ, हमारे बारे में बात करो, हमको बनाओ, बड़ा बनाओ। नहीं तो साल भर पहले बाबा कौन जानता था। नहीं, हम बाबा की बुराई नहीं कर रहे हैं, बाबा जो भी अपना कथा बांटते हैं, अपना जो भी कर रहे हैं करें। हिंदू राष्ट्र बाबा जो है, पता नहीं कौन से पागल लोग, नहीं पागल इसलिए बोल रहे हैं, भीड़ देख करके बाबा खुद ही बोलता है आ गए पागलों, तो ये कह रहे हैं। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, देश में इतने सारे मुद्दे ये हैं और ये बाबा ही में गुस्से हुए। ठीक है भाई साहब, गुस्से रहो, फिर ये ना कहीं ना कि लोग हमको गोदी मीडिया कहते हैं, कहेंगे बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।